हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्री राहुल किचन। मैं हूँ प्रियंका, ये मेरा चैनल है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो पीस पराठा, दैट इज़ आलू मटर के पराठे। बहुत ही यम्मी पराठे बनने जा रहे हैं और सर्दी के मौसम में मटर बहुत अच्छे से आते हैं और फ्रेश फ्रेश मटर आप इसमें यूज़ करें और गरम गरम सर्व करें। इसके लिए मैंने कुछ आलू बॉईल किए हैं और मटर जो कि मैंने थोड़े से पानी में बॉईल कर लिए हैं, तो ये अच्छे से बॉईल हो गए हैं। और चॉप्ड अनियन, चॉप्ड ग्रीन चिली एंड चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स इसमें हमने ऐड की है। तो आइए हम बनाते हैं मटर के पराठे। तो हम एक प्लेट में लेके ये जो आलू हमने बॉईल किए थे इन्हें मैश कर लेंगे। इनको आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं और जो पाव भाजी मैशर आता है इससे भी आप मैश कर सकते हैं, ताकि अच्छे से मैश हो जाएंगे। आलू के पराठे आप गरम गरम सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी आलू के पराठे लगते हैं। ये आलू मैंने मैश कर लिए हैं, अब हम मटर को भी इससे मैश कर लेंगे। मटर को आप थोड़े से पानी में 5 से 8 मिनट के लिए बॉईल कर लें विद मीडियम फ्लेम, तो ये तैयार हो जाएंगे। तो अब इस मसाले को हम फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे, ऐड करेंगे सौंफ दैट इज फेनल सीड्स, उसके बाद ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, देन वी विल ऐड चॉप्ड अनियन एंड चॉप्ड ग्रीन चिली एज वेल, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। सर्दी में गरम गरम पराठे का मज़ा ही कुछ और है। इसे आप ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व करिए और दही के साथ भी, और बच्चों को गरम गरम टिफिन में पैक भी कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने मटर मैश कर लिए थे वो। मटर को हमने मैश इसलिए किया ताकि ये अगर साबुत रहते तो पराठे में निकल जाते पराठे में से, तो इसे हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे। और ये आलू भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं, अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। मसाला हम बिल्कुल स्पाइसी करने जा रहे हैं। सर्दी में भी बिल्कुल फ्रेश मटर आते हैं तो आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं, छील के आप इन्हें एक बिल्कुल एयर टाइट पैकेट में स्टोर कर सकते हैं। तो अब इसमें हम मिलाने जा रहे हैं मसाले। सबसे पहले नमक दैट इज सॉल्ट टू टेस्ट, फिर इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, देन वी विल ऐड सिका हुआ जीरा पाउडर, फिर हम ऐड करेंगे काली मिर्ची थोड़ी सी, उसके बाद हम ऐड करेंगे काला नमक थोड़ा सा, उसके बाद हम ऐड करेंगे खड़ा धनिया। जो कोरिएंडर पाउडर होता है तो उसको मैंने, मतलब खड़ा धनिया मैंने इसमें ऐड किया है, ना कि पाउडर। फिर इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे अमचूर पाउडर, इससे इसमें खटाई आ जाएगी। मसाले आप और जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा चॉप्ड धनिया, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने में आप 2 स्पून यूज करें ताकि अच्छे से मिक्स करने में आ जाए, इससे प्रॉब्लम नहीं होती अच्छे से मिक्स करने में। तो मसाले को आप अच्छे से मिक्स करके और टेस्ट कर लें कि वो स्पाइसी हो गया है कि नहीं। तो
तो देखिए मसाला बिल्कुल तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा चॉप धनिया और मिलाएंगे और इसे फ्लेम ऑफ कर देंगे और साइड में रख देंगे। और हम पराठे तैयार करने जा रहे हैं। तो नॉर्मल आटा, व्हीट फ्लोर जो आप यूज़ में लेते हैं वो मैंने लगा लिया है। और एक बोल बनाएंगे आप इसकी। आटा थोड़ा सा आप ज़्यादा लें ताकि हम बिल्कुल अच्छे क्रिस्पी एंड यमी और थोड़े से अच्छे मीडियम साइज पराठे हम करने जा रहे हैं, पतले नहीं करेंगे हम। तो इसे हम नॉर्मली जैसे रोल करते हैं वैसे रोल कर लेंगे। पराठे कई लोगों के फूलते नहीं हैं, तो इसे अगर आप प्रॉपर कवर करें, प्रॉपर मसाला फिल करके और प्रॉपर कवर करें तो पराठे ज़रूर फूलेंगे। तो ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। कुछ मसाला मैंने प्लेट में ठंडा कर दिया था, तो इसे हम स्टफिंग फिल करने जा रहे हैं। इसमें मसाला ठंडा करके भरेंगे तो इजीली रोल करने में आएगा। तो देखिए ये मैंने मसाला भर दिया है। अब इसे आप इस तरह से कवर करें, देखिए इस तरह से एक के ऊपर एक आप इसे कवर करते रहें और बिल्कुल कहीं से भी ओपन ना रखें, पूरा अच्छे से इसे कवर कर दें इस तरह से। और बिल्कुल इसको गोल शेप दे दें ताकि पराठा गोल शेप में आ जाए, राउंड शेप में आ जाए। देखिए ये मैंने इसको इस तरह से कवर कर दिया है। तो इसे अब हम बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से रोल करेंगे बिल्कुल राउंड शेप में। ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं डालना है इस पे, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इसे आप रोल करेंगे एक रोटी की साइज़ में जो होती है। ये मैंने रोल कर दिया है। अपना पैन भी गर्म हो चुका है तो इसमें मैंने रख दिया है। थोड़ा सा ऑयल आप चारों तरफ ऐड करेंगे। इसे अब हम टर्न कर देंगे दूसरी साइड से। अब ये दूसरी साइड से भी लगभग हो गया है। तो इस पे अब हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। वैसे पराठे में ऑयल अगर अच्छा हो तो वो अच्छे से क्रिस्पी होते हैं। और अगर सर्दी में आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसे हम बिल्कुल क्रिस्पी करेंगे पराठे को। और देखिए अभी कितना अच्छा फूलेगा, देखिएगा अब अभी। इसे अब हम इससे थोड़ा सा पुश करेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। देखिए पराठा फूल गया है, बिल्कुल दो लेयर इसकी हो जाएगी। ये पराठा लगभग सिक गया है, तो आप दूसरा पराठा रोल करेंगे। देखिए थोड़ा सा ये हम रोल कर लेंगे और इसमें स्टफिंग फिल करेंगे। मसाला एक साथ ठंडा नहीं होता है, तो आप एक प्लेट में थोड़ा थोड़ा करके ठंडा कर लें ताकि अच्छे से ये रोल होने में आ जाए पराठा। इस तरह से हम कवर कर देंगे इसे और रोल कर लेंगे। तो ये दूसरा पराठा भी मैं बनाने जा रही हूँ। देखिए अभी ये बहुत अच्छा फूलने वाला है पराठा। तो इस पे अब हम ऑयल लगाएंगे। अब आप देखिएगा ये कितना अच्छा पराठा फूल जाएगा बिल्कुल। देखिए ये बिल्कुल पराठा फूल गया है और बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। बिल्कुल क्रिस्पी पराठा होने जा रहा है। देखिए बिल्कुल ही पराठा फ्लफी हो गया है। और इसे आप थोड़ा सा और पुश करके इसे क्रिस्पी करें। जैसा आपको पसंद है आप इसे रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे तैयार है आलू मटर के पराठे, गरम गरम बिल्कुल। इसे आप बच्चों को सर्व करिए, बताइए आपको कैसे लगे। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी देन प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल्सो। डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए। ये बिल्कुल देखिए पराठा क्रिस्पी हो गया है। इस तरह से हम सारे पराठे रेडी कर लेंगे।
तो बिल्कुल आप भी बनाएं घर पे और ज़रूर मेरे को फीडबैक दे। ओके, सी या विद द नेक्स्ट रेसिपी। बाय बाय।